नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही खेलते होंगे। बड़ों की बात मानते हुए घर पे ही अपने खेल सारे पूरे करते होंगे। आज हम पार्ट दो, ढमक ढमक की चाल, इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। लेकिन शायद आप कहानी थोड़ा सा भूल गए होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। चलिए। चाल चिंकी लोमड़ी को दी हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ तो उनमें से एक से लोमड़ी ने पूछा, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? कौन कौन ढोल? बंदरों की समझ में नहीं आया, अरे भाई वही जो खुद बजता रहता है, ढम्मक ढम्मक। मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया? क्यों नाम बिगाड़ रही हो उसका? एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था, इसलिए उसने नाराज होते हुए कहा, अरे नाम कहाँ बिगाड़ा? जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? सब खूब नाचते गाते हैं कि नहीं? मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो। वाह जी वाह, आदमियों से क्यों पूछे? वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं, हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें। बंदर बोले। तभी दूर से आवाज सुनाई दी, ढम्मक ढम्मक ढम्मक। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसी, मगर मैं तो चली। कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं, मार मार कर कचूमर निकाल देगा सूमो कहीं का। जब ढम्मक ढम्मक पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, क्यों रे तू ऐसा क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो? मेरी मर्जी, मेरी चाल मैं जानू, मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ। एक किक में गोल कर देता था और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर भी गोल नहीं रोक पाते थे। मगर कोई मैच जीता भी था कभी? मैच का मैं अकेला ही जीत जाता, पूरी टीम जीतती हारती है, लेकिन सच मानो मेरी वजह से ना जाने कितने मैच जीते हैं। ढमक ढमक घमंड से बोला। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, देख बेटा ढमक ढमक, तू भी अपने बेटे की तरह है, इसलिए समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं हैं। मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचाकर दे ही देते हैं ना, आप सबके रहते मुझे उनकी परवाह करने की क्या जरूरत? अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ हो ही ना जहाँ दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। ढमक ढमक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूँ, किसी ने रोका ही नहीं, अब तो देर हो गई, चाल कैसे बदलूं? कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूंगा। कहता हुआ ढमक ढमक वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों तक तो उसने बिना आवाज किए चलने की कोशिश की, मगर जल्द ही वह बुजुर्ग बंदर की बात भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच से जा रहा था, पास में ही एक शेर शिकार की तलाश में था। वह ढमक ढमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। बस फिर क्या था, शेर फौरन दौड़ पड़ा। तेजी से भागते हिरन और चिड़ियों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि वहाँ खतरा बेहद नजदीक है, इसलिए जान बचाने के खातिर वह पास में खड़े मोटे तने वाले एक बरगद के पेड़ पर जा चढ़ा। तभी शेर वहाँ आ पहुँचा। ढमक ढमक को पेड़ पर चढ़ा देखकर बोला, वाह तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो, ऐसे क्या बच जाओगे बच्चू, कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे?
कभी तो नीचे उतरोगे, मैं भी यहीं बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं लेट गया। धम्मक धम्मक याद करने लगा कि अगर वह बंदर ताऊ जी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। अब उसे बड़ों की बात न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात न मान कर कर चुका है और अब दूसरी गलती हिम्मत हार कर कर रहा है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। उसने ऊपर से बहुत सी डालियां तोड़कर शेर के ऊपर फेंकी, किंतु शेर तस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर पास लगे मधुमक्खियों के छत्तों पर पड़ी। धम्मक धम्मक ने दिमाग से काम लिया। उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लगा। उधर अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। वे धम्मक धम्मक पर टूट पड़ी, पर पूरे शरीर पर घने व लंबे बालों के कारण वे उसका क्या बिगाड़ती। आखिर धम्मक धम्मक एक भालू जो था। उधर शेर खर्राटे लेकर मजे से सो रहा था। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वे शेर पर ही टूट पड़ी। उनसे बचने के लिए शेर बेचारे को नानी याद आ गई। वह भागता रहा भागता रहा, मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उधर धम्मक धम्मक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वह बंदर ताऊ जी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। कैसा लगा बच्चों एनिमेशन? अच्छा था ना? और कहानी भी याद आ गई होगी आपको। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और बड़े जो भी हमारी कमियों को बताते हैं उनको सुनकर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करना चाहिए। और क्या सीख मिली हमें? और हमें यह सीख मिली है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। चलो अब हम करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्नों को। मौखिक प्रश्नों में हमें दिए गए हैं, सबसे पहले चिक्की किसका नाम था? किसका नाम था? चिक्की एक लोमड़ी का नाम था। आगे है ख, बंदर क्या कर रहे थे? उत्तर है बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। ग है चिक्की ने किसका नाम ढोल रखा था? जो लोमड़ी थी ना वो किसको ढोल कह के बुलाती थी? तो उत्तर है चिक्की ने भालू को ढोल रखा, ढोल नाम रख दिया था, उसको ढोल कह के बुलाती थी। घ है मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई थी? उत्तर किसको, जो मधुमक्खियों ने खूब खाया उसको, तो उसको नानी याद आ गई, किसे आई थी? शेर को। आगे करेंगे बच्चों हम पेज नंबर 25। जो खाली जगह है उसमें हम सही शब्द लिखेंगे। क है जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो डैश बजाया जाता है कि नहीं? क्या बजाया जाता है अच्छे अवसर पर? ढोल। ख मार मार कर कचुंबर निकाल देगा सूमो कहीं का, क्या लिखेंगे? सूमो। ग चाल ऐसी होगी किसी को कानो कान भी खबर ना हो, क्या लिखेंगे? चाल और खबर। घ है तेजी से भागते हिरण और चिड़ियाओं की आवाज से धमक धमक समझ गया कि खतरा बेहद नजदीक है, क्या लिखेंगे इसमें? हिरण। आगे हम सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। क यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप पिंकी की जगह लिख लोगे चिंकी। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। ऐसा हुआ था इस कहानी में, देखा था ना उसने, तो ये सही है। धमक धमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी। ठीक लगी थी क्या बंदर को, उस बूढ़े वाले बंदर की बात, उस भालू को, सॉरी भालू को सही लगी थी बात, सही है ये। आगे हम पढ़ेंगे ऊपर से धमक धमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके। धमक धमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके थे किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। कहाँ बैठा था वो भालू? पेड़ पर। तो पेड़ पर पत्थर थोड़ी मिलेंगे उसे, क्या मिले थे? डालियां पत्ते, इसीलिए ये गलत है। घ
अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी थी। हाँ हो उठी थी तो सही है। प्रश्न तीन, किसने किससे और क्यों कहा था? पहला हमें दे रखा है जैसे, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? किसने कहा? चिकी लोमड़ी ने। किससे? बंदरों से। और क्यों? क्योंकि वह धमक धमक की चाल के कारण उसका मजाक बना रही थी। क है, कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। किसने कहा था? बुजुर्ग बंदर ने। किससे? धमक धमक से। और क्यों कहा था? क्योंकि उसने बुजुर्ग बंदर से कहा था कि वह बचपन से ही ऐसे चल रहा है और अब चाल कैसे बदल ले। तब उसको बुजुर्ग बंदर ने सलाह दी थी कि कोई बात नहीं, जब जागोगे तभी सवेरा, इसीलिए आज से ही ये काम शुरू कर लो। पेज नंबर 26 करेंगे बच्चों अब हम। ख, वाह तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आस पास ही हो। किसने कहा था? शेर ने। और किससे कहा था? धमक धमक से कहा था। क्यों? क्योंकि धमक धमक पेड़ पर ही चढ़ गया था। ये हो गए बच्चों हमारे किसने किससे और क्यों कहा। आगे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, एक शब्द वाले और दो तीन वाक्य वाले। जब मैं आपको कॉपी का पाठ करवाऊंगी, पीडीएफ समझाऊंगी, तब मैं इन सबको वापिस से बता दूंगी। अब हम आगे चलेंगे भाषा और व्याकरण की तरफ। पेज नंबर 27। प्रश्न एक है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखते हैं। सबसे पहले सूर्य का लिखेंगे, दिनकर दिवाकर, बंदर वानर कपि, पेड़ वृक्ष तरु, शेर सिंह वनराज। प्रश्न दो है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। कैसे लिखेंगे वर्णों को? सबसे पहले देखो, एक शेर हमें लिख के दिखाया हुआ है, श उसके नीचे हलन। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग, ये सारे व्यंजन होते हैं, इसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ये जो एक र की मात्रा दे रखी है ना, इसको हम बोलते हैं हलंत। तो जब भी हलंत, ये व्यंजन आएंगे तो उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, और जो उस व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हुई है, उस वर्ण के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, उसको हम आगे प्लस करके लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखो, हमने दे रखा शेर, श को हम अलग, हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को अलग अलग करना है, उसको बोलते हैं वर्णों को अलग अलग करना। तो सबसे पहले हमें देखा श, श को हमने अलग किया। श क्या है? एक व्यंजन है, इसीलिए हमने उसके नीचे हलंत लगा दिया। प्लस कौन सी मात्रा दे रखी है श के ऊपर? ए की, छोटे ए की, तो हमने प्लस ए लिख दिया। प्लस र, र के नीचे हलंत क्योंकि व्यंजन है। प्लस अ, क्योंकि र के साथ में कोई मात्रा नहीं है। आगे हम इसी तरह भालू को लिखेंगे। अपने आप कोशिश करोगे थोड़ी थोड़ी सी, कैसे लिखोगे? भ प्लस, भ के नीचे पहले हलंत लगा दोगे, प्लस आ, क्योंकि भ के साथ में आ की मात्रा है। प्लस ल, उसके नीचे हलंत लगाओगे, व्यंजन है। प्लस बड़ा ऊ, क्योंकि ल पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है। अब हम करेंगे नानी, न हलंत प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। प्लस न हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा। आगे करेंगे गलती, ग हलंत प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई। प्लस ल हलंत प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। प्लस त हलंत प्लस बड़ी ई। आगे करेंगे जगह, ज हलंत प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। ग हलंत प्लस अ, कोई मात्रा नहीं है। प्लस ह हलंत प्लस अ, कोई मात्रा नहीं है। ये हो गया बच्चों हमारा वर्णों को अलग अलग करके लिखने का काम। आगे करेंगे हम प्रश्न तीन, वाक्य बनाने हैं। इसको भी मैं आपको कॉपी वाले पार्ट से ही करवाऊंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। देखो, इन विराम चिन्हों के नाम याद कीजिए। योजक चिन्ह का साइन क्या होता है? ऐसे डैश बनाते हुए, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। आगे हम, जब योजक चिन्ह कहाँ लगते हैं? जब दो शब्द एक जैसे आते हैं तो उनके बीच में लगाया जाता है। अल्प विराम, अल्प विराम का साइन होता है, निशान होता है ये कोमा, ठीक है? जब हम वाक्य में थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं कहीं पर, तो वहां हम कोमा लगा देते हैं। आगे देखो, उद्धरण चिन्ह, डबल कोमा होता है उद्धरण। किसी बात को हमें उसको ज्यों का त्यों बोलना होता है, तब हम उद्धरण चिन्ह का निशान लगाते हैं।
हैं। इन दो लाइनों में हमें इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है। सबसे पहले देखो, धमक धमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे 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 के बीच में आ जाएगा योजक चिन्ह, ठीक है। आगे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा, लास्ट में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं लगाना क्योंकि हमें कहा नहीं है प्रयोग करने के लिए। आगे ख लिखेंगे, अध्यापक जी ने कहा, कहा के बाद आएगा हमारा अल्प विराम कोमा। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो हम इसके आगे और लास्ट में उद्धरण चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। खड़ी पाई लगाते हुए उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न पांच में हमें इन चित्रों में कौन सा काम किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चलना। दूसरे चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे पढ़ना। और अगले चित्र में अध्यापक क्या कर रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना। और आखिरी चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे सोना। ये हो गए बच्चों हमारा पेज नंबर 27। आगे है पेज नंबर 28, कौन सा खाना कौन सा जानवर खाता है। ये वाला काम आप खुद करोगे क्योंकि बहुत ईजी है, मैचअप है, इसको आप खुद कर लोगे। आगे खोज परक वर्ग पहली दे रखी है, इंटरेस्टिंग है ना। आप क्या करोगे, इसमें से जंगली जानवरों के नाम निकालोगे पांच। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इनमें कौन कौन से नाम हमें मिल सकते हैं, जैसे हिरण, लोमड़ी, शेर। दो और बज गए, वो खुद ढूंढना और बुक को भरना, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपके पास सेंड करूंगी, आप उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करते हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, ओके। क्लियर है, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।